Hey, what's up everyone, one course, welcome to West Tech. यहाँ पे गाइस Amazfit GTR 3 एंड यहाँ पे Amazfit GTS 3 स्मार्टवॉच जो कि यहाँ पे फाइनली 12 अक्टूबर को फाइनली ऑफिशियली लॉन्च की जा रही है। यहाँ पे गाइस सिलेक्टेड फर्स्ट इमेजेस, मॉडल नंबर एंड कुछ फीचर्स चेंज हो गए जिसके बारे में आगे वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सब्सक्राइब टू देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल चुके हो सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल अपडेट नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस होमी Amazfit GTR एंड यहाँ पे GTS सीरीज में फाइनली इसकी थर्ड स्मार्ट वॉचेस लॉन्च हो रही है, थर्ड सीरीज की जो कि Amazfit GTS 3 एंड यहाँ पे Amazfit GTR 3 जो कि यहाँ पे गाइस फाइनली होमी का एक इवेंट है, कॉन्फ्रेंस इवेंट है जिसके थ्रू फाइनली गाइस यहाँ पे ये ग्लोबल इवेंट के रूप में होता है जिसमें का ये फाइनली 12 अक्टूबर को ऑफिशियली लॉन्च की जा रही है। यहाँ पे गाइस इसलिटेड इनका मॉडल नंबर आया है, इनको गाइस यहाँ पे वेबसाइट पे स्पॉटेड भी कर दिया गया और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ फीचर आ गए हैं, फर्स्ट इमेजेस आ गई और बहुत सारे डिटेल्स आ गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये आपको 12 अक्टूबर को लॉन्च हो रहे हैं और गाइस यहाँ पे इनकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी इसके बारे में कोई डेट नहीं है, लेकिन ये आपको 12 अक्टूबर को लॉन्च होगा, उसके बाद ही आपको सारे डिटेल्स कन्फर्म होगी। तो चलिए आपको जो टीजर फीचर से होमी Amazfit GTR 3 उसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। यहाँ पे गाइस हम बात करते हैं Amazfit GTR 3 जिसका मॉडल नंबर आपको यहाँ पे शो होता होगा 82025 जो कि यहाँ पे गाइस एक सर्कुलर डायल डिस्प्ले के साथ आता है। यानी कि यहाँ पे Amazfit GTR सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी स्मार्ट वॉच है वो आपको सर्कुलर डायल डिस्प्ले के साथ आती है, तो उसी हिसाब से GTR 3 भी आपको इसमें सर्कुलर डायल डिस्प्ले फीचर किया गया है। साथ ही गाइस इसमें आपको टू बटन्स मिलता है इसके साइड में जो कि इसके प्रेसिडेंट जैसे लगता है, तो इसमें आपको टू बटन्स इसके साइड में राइट साइड में फीचर किया जाता है जो कि यहाँ पे इजी नेविगेशन साथ ही यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए होगा जिसकी मदद से आप इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस इसमें आपको हेल्थ रिलेटेड फीचर्स में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सेंसर मिलता है, SPO2 मिलता है जो कि ब्लड ऑक्सीजन को मेजरमेंट करता है, स्लीप मॉनिटरिंग का सेंसर मिलता है, साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करता है जो कि BP सेंसर होता है जो कि मोस्टली स्मार्ट वॉचेस में फीचर नहीं रहता है, लेकिन अब जो आने वाली न्यू जनरेशन की स्मार्ट वॉचेस है उसमें आपको BP सेंसर भी फीचर रहता है। यहाँ पे गाइस साथ ही ये आपको एक 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट के साथ आती है जिसे गाइस यहाँ पे इजीली आप स्विमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। 440 mAh की बैटरी कैपेसिटी फीचर की गई है जो कि यहाँ पे सिंगल चार्ज में आपको 2 वीक्स का ब्रेक देती है। यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है प्रीवियस वाले मॉडल से इसके फीचर, चाहे बैटरी की बात करें, वाटर रेजिस्टेंट की बात करें, हेल्थ रिलेटेड फीचर्स की बात करें या फिर गाइस यहाँ पे होपफुली डिस्प्ले साइज भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज की गई है। तो गाइस यहाँ पे ये कुछ फीचर चेंज हुए Amazfit GTR 3 के। अब GTS 3 से रिलेटेड कोई डिटेल्स अभी तक नहीं आ गया, लेकिन ये स्पॉटेड किया गया है कि ये भी इसके साथ ही लॉन्च होगा और गाइस यहाँ पे 12 अक्टूबर को बोथ स्मार्टवॉच को ऑफिशियल कर दिया जाएगा। तो आप स्टे ट्यून्ड रहते रहिए, अगर इस बीच में इससे बीच अगर कोई अपडेट आता है Amazfit प्रोवाइड करता है तो मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो जब लॉन्च होगा तभी आपको वीडियो मिलेगी फुल प्रॉपर ताकि आपको इस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पता हो जाएगी और आपको परचेज करने में भी आसानी होगी। सो होप इन जाते वीडियो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चपना है जो सब्सक्राइब करिए और अभी तो नोटिफिकेशन आपको कुछ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।